नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। देश के संसाधनों पर मुस्लिमों के पहले हक को लेकर छिड़ी बहस के बीच कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने बीजेपी को हमला करने का एक और बड़ा अवसर दे दिया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को, सभी जातियों और समुदायों को राज्य सरकार के तहत रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए ओबीसी की लिस्ट में शामिल किया है। अब बीजेपी ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना लिया है। पीएम मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के सागर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पिछड़ों का आरक्षण अल्पसंख्यकों को देने की साजिश रच रही है। कर्नाटक के फॉर्मूले को कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है। वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आरक्षण के लिए मुस्लिम समुदाय को पिछड़ी जाति में शामिल करने के कांग्रेस सरकार के फैसले की आलोचना की है। चुनावी मौसम में मुसलमान एक बार फिर से सियासी बिसात पर मोहरा बना हुआ है। मुसलमानों पर बीजेपी बनाम कांग्रेस की जंग छिड़ी हुई है। पीएम मोदी लगातार कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप दिखा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी का आरोप है कि कांग्रेस आम लोगों की संपत्ति मुसलमानों को बांटने की साजिश रच रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। देश के संसाधनों पर मुस्लिमों के पहले हक को लेकर छिड़ी बहस के बीच कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के एक फैसले ने इस आग को और भड़का दिया है। कर्नाटक सरकार ने आरक्षण का लाभ देने के लिए मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में शामिल कर दिया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि कर्नाटक सरकार के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक के मुसलमानों की सभी जातियों और समुदायों को राज्य सरकार के तहत रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए ओबीसी की सूची में शामिल किया गया है। हालांकि एनसीबीसी यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आरक्षण के लिए मुस्लिम समुदाय को पिछड़ी जाति में शामिल करने के कांग्रेस सरकार के फैसले की आलोचना की है। एनसीबीसी ने कहा है कि इसने सामाजिक न्याय के सिद्धांत को कमजोर कर दिया है। आयोग ने कहा कि इस कदम से राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की हानि हुई है। वहीं कांग्रेस के इस दांव ने बीजेपी को बड़ा हमला बोलने का मौका दे दिया है। बीजेपी ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। पीएम मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के सागर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पिछड़ों का आरक्षण अल्पसंख्यकों को देने की साजिश रच रही है। कर्नाटक के फॉर्मूले को कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है। कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया है और इसके लिए उन्होंने पिछले दरवाजे से गैर कानूनी तरीके से एक चालाकी की है। ओबीसी समाज की आंख में धूल झोंकने का गुनाहित कृत्य किया है और इसके लिए उसने मुसलमान की सभी जातियों को एक ही कागज निकालकर सबको ओबीसी कोटा में डाल दिया। या न केवल
अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डालने का कुत्सित प्रयास है, बल्कि आधी आबादी को तालिबानी शिकंजे में धकेलने की भी कुत्सित मंशा के साथ ये लोग कार्य करके देश के अंदर तालिबानी विध्वंस को आमंत्रित करने, आतंकवाद को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के अंदर हावी करने और देश के संसाधनों पर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्तव्य रहा है उस वक्तव्य के अनुरूप देश के अंदर देश के संसाधनों पर एक वर्ग विशेष को हावी करने की कुत्सित मंशा के साथ कांग्रेस कार्य करना चाहती है, जिसको हर मतदाता को जिसके प्रति सतर्क और सावधान रह करके किसी भी प्रकार के उस दुष्प्रवृत्ति को नहीं पनपने देना चाहिए। दरअसल कर्नाटक में मुस्लिम आबादी 12.92% है और कर्नाटक के सियासी प्रयोगशाला में मुसलमानों पर जमकर सियासत होती रही है। एक सरकार आरक्षण देती है तो दूसरी सरकार आरक्षण छीनती है। लोकसभा चुनाव के वक्त कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सभी मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा देकर आरक्षण का लाभ दे दिया है, तो वहीं कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने 4% मुस्लिम कोटा खत्म कर दिया था। लिंगायत और वोकालिगा समुदाय को साधने के लिए बड़ा दांव खेलते हुए कर्नाटक के तत्कालीन बीजेपी सरकार ने मुसलमानों का 4% आरक्षण खत्म कर लिंगायत और वोकालिगा समुदाय का 2.2% रिजर्वेशन बढ़ा दिया था। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी सत्ता नहीं बचा पाई और कांग्रेस ने कर्नाटक पर कब्जा कर लिया, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के वक्त कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम आरक्षण का जो दांव खेला है उसने देश भर में ध्रुवीकरण की राजनीति को तेज कर दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का तोहमत लगाया है और उसका असर दूर तक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो देश के संसाधनों पर मुस्लिमों के पहले हक को लेकर छिड़ी बहस के बीच कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने बड़ा कदम उठाया। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक फैसले ने इस आग को और ज्यादा भड़का दिया है। कर्नाटक सरकार ने आरक्षण का लाभ देने के लिए मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में शामिल कर दिया है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पिछड़ों का आरक्षण अल्पसंख्यकों को देने की साजिश रच रही है। कर्नाटक के फॉर्मूले को कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है। इसी को लेकर पक्ष विपक्ष में करेंगे हम चर्चा। दो विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है राकेश पोद्दार जी आपका। और इसके साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिंह यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत राकेश सिंह यादव जी। राकेश पोद्दार जी, कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों को ओबीसी की राज्य सूची में शामिल किया है, इस पर सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। देखिए रिशु जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कहनी चाहती है कि इन लोगों तुष्टिकरण की राजनीति देश के अंदर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पायलट योजना लाया था और उनकी मंशा थी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो आरक्षण SC ST को जो दिया गया उसमें कटौती कर को एक अल्पसंख्यक वर्ग को देने की कोशिश की गई 2004 में। तो 2002 में इनकी जब कर्नाटक में सरकार थी वही लोगों में भी वही काम किया और देश के प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री ने भी वही काम किया। तो मेरी स्पष्ट रूप से मंशा इन लोगों की है कि एक वर्ग को खुश करना जो बहुसंख्यक है उनको खुश नहीं करना। किस तरह आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो हमारे हंसराज अहीर जी ओबीसी के राष्ट्रीय चेयरमैन है उन्होंने उनसे संज्ञान में लिया, उनके संज्ञान में जिताया कर्नाटक सरकार से, वहां की सीतारमैया सरकार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने अल्पसंख्यकों को देने के लिए ओबीसी के जो कोटे हैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये लोग जो राजनीति जो कर रहे हैं देश के अंदर तुष्टिकरण की राजनीति रिशु जी कर रहे हैं। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं किस प्रकार ये कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो बहुसंख्यकों का
सम्मान जो बहुसंख्यकों के पास जो पैसा है धन संपत्ति उसकी जांच करके मैं एक अल्पसंख्यक को देने का काम करूंगा। तो हम लोगों ने जिस महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया आज उनकी मंगलसूत्र उतारने की बात चल रही है देश के अंदर, दुर्भाग्य है। दूसरी तरफ जो आदिवासी लोग हैं जो सर कोई महिलाओं का मंगलसूत्र ऐसे कैसे उतार देगा, क्या महिलाओं को अपने मंगलसूत्र की रक्षा करनी नहीं आती है, क्या भारत की महिलाएं आपको इतनी बेवकूफ नजर आती है कि कोई भी आएगा और उनका मंगलसूत्र उतार कर ऐसे चलता बंधेगा। मैं आऊंगी वापस से आपके पास क्योंकि एक ही मुद्दा आप लोगों के पास रह गया है, कभी आप मछली की बात करते हैं, कभी मटन की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, और अब घुमा फिरा के चुनावों में जो मुद्दा है वो मुसलमानों पर आकर टिक गया है। लेकिन राकेश सिंह यादव जी जो बातें यहाँ पर कह रहे हैं, राकेश पोद्दार जी, उन पर तो आप जवाब दीजिएगा ही, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को प्रसन्न करने के लिए कोई भी ऐसा दाव नहीं है जो आप नहीं चल रहे हैं, हर हथकंडा आप अपना रहे हैं। सर आरक्षण के मामले पर बीजेपी तो आपको घेर ही रही है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी आरक्षण के लिए मुस्लिम समुदायों को पिछड़ी जाति में शामिल करने की आपकी सरकार के फैसले की आलोचना की है। सर एनसीबीसी ने कहा है कि इस फैसले ने सामाजिक न्याय के सिद्धांत को कमजोर कर दिया है, आयोग कह रहा है कि इस कदम से राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की हानि हुई है, इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए एक बार फिर प्रधानमंत्री ने सागर की सभा में देश के सामने झूठ परोसा, झूठ बोला, उन्होंने सच नहीं बताया, फिर एक शब्द उठाया और उससे खेला और देश को मरगलाने की कोशिश की। सच आप सुनिए कि 2002 में कर्नाटक में यह आरक्षण लागू हुआ था, सरकार किसकी थी, भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने खुद तारीफ की थी और यह बोला था कि 27% आरक्षण दिया जाएगा तो अल्पसंख्यकों को भी 14% आरक्षण उसमें एडजस्ट करना है, लेकिन वो दुर्भाग्य से मामला सुप्रीम कोर्ट में 15% आरक्षण ही मिल रहा है। 2002 से जो आरक्षण मिल रहा था, दो बार बीजेपी की सरकार रही, 8 में रही 19 में रही, जब क्यों आपने ये मुद्दा नहीं उठाया, क्यों आपने ये पूरा आरक्षण समाप्त नहीं करा, यानी आपके मन में आज खोट है, आज चुनाव हार रहे हैं तो आप एक एक शब्द उठा के ला रहे हैं, पूरी बात नहीं बता रहे। 2002 से जो चीज चल रही है वो 2024 में आके आप बता रहे हैं कि कल लेटर जारी करा। अरे ये बताइए ना कि हंसराज अहीर ने वहां से पूछा, वहां से जवाब आया कि 2002 से ये आरक्षण लागू है, जब से चल रहा है, दो बार आपकी सरकार रही, जब भी जारी था उसमें आपने कुछ कम किया था, वो सरकार ने वापस वही लागू किया है। ये सब छुपा के कभी मंगलसूत्र, कभी मुसलमानों को आरक्षण, कभी मकान उनको दे देंगे, कार उनको दे देंगे, ये देश के प्रधानमंत्री हैं या वोट बरगला कर जीतना चाहते हैं, तो इनको स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है सर, मैं दोनों से ही आपसे सवाल करना चाहूंगी क्योंकि आप बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये बात तो आप दोनों ही पार्टी भली भांति जानती हैं कि धर्म के नाम पर आरक्षण है ही नहीं, जो आरक्षण है वो जाति के आधार पर मिलता है, तो फिर धर्म के आरक्षण आधार पर आरक्षण किस तरीके से दिया जा रहा है कर्नाटक? देखिए धर्म के आधार पर दिया ही नहीं गया है, वहाँ साफ शब्द में उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि जो पिछड़े वर्ग में शामिल मुस्लिम जातियां हैं वो केंद्र सरकार ने भी शामिल कर रखी है, आप अध्यादेश देखेंगे तो उसके अंतर्गत दिया जाता है, और आज से नहीं 2002 से दिया जाता है। 24 साल हो गए, 20 साल हो गए, अगर 20 साल तक समझ में नहीं आया, मोदी जी को 9 साल में समझ में नहीं आया, अटल जी को 4 साल में समझ में नहीं आया, इनको अब समझ में आ रहा है कैसा हो रहा है, तो ये तो धोखा दे रहे हैं देश को, कहानियां गढ़ रहे हैं। ठीक है राकेश पोद्दार जी, क्योंकि मुस्लिम तो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई जाति है ही नहीं, फिर जाति के आधार पर अल्पसंख्यकों को किस तरीके से आरक्षण दिया जा रहा है, अब ये पूरी जो कहानी यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखी गई है और उसको बाकायदा मंच से जाकर प्रचारित किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है, ऐसे में इसका ठीकरा पूरी तरीके से अब कांग्रेस आप ही के ऊपर फोड़ने की कोशिश यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे अपनी सफाई में? रिशु जी कहते हैं कि मुस्लिम में जाति नहीं, मैं एक चीज स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, कैटेगरी 1 में 17 जाति इन्होंने लाने की कोशिश की है, कैटेगरी 2A में इन्होंने 19 की जो जातियां हैं लाने की 2002 से। अरे सुन लीजिए, ठीक है सर, उनको बोलिए ना, सुन कर लीजिए, ठीक है राकेश पोद्दार जी, सारी जातियां ए और बी ग्रेड में, झूठ क्यों बोल रहे हैं आप, आज आज थोड़ी लेके आए आप प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं, कल थोड़ी लेके आए। अरे सुन, 2002 से मेरे भाई साहब,
अरे ठीक है, राकेश यादव जी उनकी बात तो सुन लीजिए, ना आपको समय दिया गया, आपने अपनी बात रखी, उनकी बात पूरी सुन लीजिए, उसके बाद आप सवाल करिएगा। जी राकेश पोद्दार जी, रिशु जी कैटेगरी वन में जो है इन्होंने 17 जातियों को लाने का, मुस्लिम जो जातियां होती है उनको लाने की कोशिश की गई, उसके बाद कैटेगरी 2A में इन्होंने 19 जातियों को कोशिश की, और 2004 में पायलट योजना के तहत बाबा साहब अंबेडकर के संविधान जो एससी और एसटी को दिया गया था, तो देश के प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री 2004 में चाहते थे कि हम जो है इनके जो एससी एसटी का आरक्षण को दायरा कम करके मैं मुस्लिम को देना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं ये तुष्टीकरण की राजनीति करता हूँ। और एक मैं बता देता जाता हूँ, स्पष्ट रूप से आप ही के चैनल पे एक दिन डिबेट में मैं बैठा हुआ था और उन्होंने कहा था कि बजट, इन्होंने कर्नाटक सरकार ने एक बजट लाई जिसमें इन्होंने 400 करोड़ रुपया चंदा मंदिरों से लिया, 200 करोड़ रुपया मुस्लिम को वर्क वोट को देने का काम किया, और 100 करोड़ रुपया इन्होंने ईसाई धर्म को देने का काम किया, 100 करोड़ रुपया वापस फिर मंदिर में दिया। तो हमको लगता कहीं ना कहीं ये लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, और आप ही के चैनल इस सवाल को उठाया था देश के अंदर, और कर्नाटक की सरकार बजट में लाया, तो हम कहते हैं अगर 400 करोड़ रुपया देश का मंदिर का चंदा आपने लिया, पैसा उगाही की, तो आपने स्वास्थ्य में खर्च करना चाहिए, आपको सड़क में खर्च करना चाहिए, आपको लोगों को सुविधा देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप तुष्टिकरण की राजनीति कर्नाटक में कर रहे हैं और तेलंगाना के अंदर भी कर रहे हैं। ठीक है, अब आप इनके ऊपर तो तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं राकेश पोद्दार जी, लेकिन ये बताइए ना कि जो चुनावों में मुख्य मुद्दे एक समय में हुआ करते थे, क्या वो मुद्दे इस बार के चुनावों में देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि जो जनता से बात करनी चाहिए प्रचार प्रसार जनसभाओं के दौरान, रैलियों के दौरान, क्या आप लोग वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं? पहले सड़क की बात की जाती थी, पानी की बात की जाती थी, बिजली की बात की जाती थी, इन सभी मुद्दों को कहीं ना कहीं सुनने में ही नहीं आ रही है इनकी बातें चुनाव के समय में। अगर कोई मसला सबसे ज्यादा इस वक्त छिड़ा हुआ है, क्योंकि पहले चरण में हमने देखा जब मतदान हुआ था तो लग रहा था कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर कम से कम इस बार इस देश की जनता जो है वो इस देश की जनता को देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है, एक बार फिर राजनीति वहीं आकर पहुंच गई है। देखिए रिशु जी, बहुत गंभीर मामला है इस देश के अंदर। अगर हम लोगों ने संकल्प पत्र लाया था और हम लोगों ने कहा था कि हमारे एजेंडे हैं और एजेंडे पे हम लोगों ने काम करना चाह रहे थे, चाहे पुराने मामले थे हम लोगों ने खत्म किए और नए मामले को लेकर चलना चाह रहे हैं। आप एक चीज बताइए, देश के अंदर लोकसभा का चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि बिहार के अंदर तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपना घोषणा पत्र लाते हैं, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जी अपना घोषणा पत्र लाते हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर अपना घोषणा पत्र लाते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर अपना घोषणा पत्र लाते हैं, और इंडी गठबंधन, इन लोगों का जो गठबंधन है उनका नाम है इंडी गठबंधन, तो जितने भी दल है सब अपने घोषणा पत्र ला रहे हैं। क्या ये जनता को बेवकूफ नहीं बना रहे? हमारे एनडीए घटक दल में हम लोग जितने भी हमारे घटक दल में हमारा एक ही संकल्प पत्र है, सभी के एजेंडे। चलिए ठीक है ना सर, आपका एक ही संकल्प पत्र है और इन लोगों ने बहुत सारे घोषणा पत्र ये जनता के लेकर आए हैं, लेकिन आप प्रचार प्रसार में अपने संकल्प पत्र की बातें क्यों नहीं करते हैं? कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर ही आप लोग लगातार बात कर रहे हैं, जबकि ठीक से आप लोगों ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो अभी तक पढ़ा भी नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि उसकी एक कॉपी आपको दे देंगे, आप कम से कम उसको पढ़िए, तो पढ़िए, उसके बाद जनता में जाकर प्रचार करिए, प्रसार करिए, इन लोगों को तो फायदा ही है, लेकिन अपने संकल्प पत्र की आप बात नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, और वो भी जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं उसमें भी। देखिए रिशु जी, हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र की बात की, अगर हम लोगों ने 370 की बात की तो 370 के मुद्दे देश के अंदर खत्म किया, राम की बात की 1990 में तो राम के मुद्दे को खत्म किया, जो 50 साल से 500 साल के मुद्दे थे उसको भी हम लोगों ने खत्म किया। हम लोगों ने आज भी 25 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाने की बात कर रहे हैं, और आज भी हम लोगों ने 56 एम्स अलग से बनाए, 112 एयरपोर्ट बनाने का काम किया। हम लोग जो कहते हैं और करते हैं, नीति और नियत हमारी साथ होती है। अगर हमारे गिरिबान में कोई झांकेगा और ताकेगा, अगर हमारे कोई उंगली उठाएगा, तुष्टिकरण की राजनीति करेगा, उसका जवाब देश के प्रधानमंत्री और 16 करोड़ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जवाब देने के लिए बात है। हम जिस
महिलाएं के लिए 33% आरक्षण लाते थे। आप रिशु जी, आप भी महिलाएं, देखिए हम लोगों ने 33% आरक्षण लाया। ये लोग क्या कहते थे कि महिलाओं के अंदर ओबीसी को कितना दे रहे हैं, उसमें आपने SC ST को कितना दे रहे हैं, SC को कितना दे रहे हैं। ये लोग बरगड़ाने की बात करते हैं, हम काम की बात करते हैं, उसमें भी एक जातिवाद की बात करते हैं। हम देश के अंदर आज इन्होंने 60 साल में क्या देश के अंदर जातिवाद की बात की, तुष्टिकरण की बात की, भ्रष्टाचार की बात की? ठीक है, ठीक है सर, मैं संक्षेप में जवाब ले लेती हूँ। राकेश सिंह यादव जी, जो अभी आरोप आपके ऊपर लगाते हुए नजर आ रहे हैं राकेश पोद्दार जी, सर संक्षेप में उनका तो जवाब दे ही दीजिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस पिछड़ों का आरक्षण अल्पसंख्यकों को देने की साजिश रच रही है और कर्नाटक के फॉर्मूले को कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है। देखिए प्रधानमंत्री जी के शब्द वैसे हैं कि जैसे नमाज पढ़ने गए और रोजे गले पड़ गए। ये हालत अभी इस चुनाव में उनकी हो रही है। 3 तलाक उन्होंने समाप्त करा, अच्छा काम करा, तो उससे क्या हिंदू महिलाओं की स्थिति खराब हो जाएगी? मुस्लिम महिलाओं के लिए करा, खुद करें तो वाह वाह, हम करें तो तुष्टिकरण। आपने ये हज करने जाते हैं कोटा बढ़ाया, वाह वाह, हम बढ़ाएंगे तो मुस्लिमों की पार्टी। अरे कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो सच बोलिए। वोट के लिए आप चाहते हैं कि लड़ाते हैं हिंदू मुस्लिम, उसके बाद फिर सब कुछ सत्ता हाथ में आ जाए तो फिर सब कुछ वैसे चलता रहेगा, सब वही रहेगा, सब कुछ आरक्षण वही रहेगा, सब मिलेगा, सब कुछ होगा, भ्रष्टाचार जारी रहेगा। ये तो नीति है प्रधानमंत्री की। इस तरीके से झूठ बोल के देश को बरगलाते हैं, 2002 के पुराने ऑर्डर को आज का बताते हैं, सच नहीं बताते हैं और लगातार झूठ बोलते हैं। मुसलमानों के नाम पे डर फैला के वोट मांगने की कोशिश करते हैं और खुद ने जो काम करे मुसलमानों के हित में वो नहीं बताते, अपने एजेंडे में भी नहीं बताते कि हिंदू नाराज नहीं हो जाए। ठीक है, लगता है मैं जवाब इस पर लेती राकेश पोद्दार जी आपसे, लेकिन समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय का अभाव है, माफी चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, पक्ष विपक्ष में। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।